वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसे हम कहते हैं बोर्ड मास। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपकी सिंपल इक्वेशन या फिर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए भी, एक बेसिक क्लास के लिए भी है और एक हायर क्लासेस के लिए भी है। अगर आप स्ट्रगल करते हैं कि आप मल्टीपल ऑपरेशन अगर आ जाएँ, जैसे मल्टीप्लाई प्लस एक ही एक्सप्रेशन में अगर दिख जाए, तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसको लेवल वाइज इसको हम करने वाले हैं। आज की जो वीडियो है वो लेवल वन के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर है। हम ये पहले 5 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आपको ये 2 क्वेश्चन आप उसके बाद आप खुद करके देखें और इसका आंसर जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरीके से लेवल 2 लेवल 3 हम आपको अपडेट करते रहेंगे नोटिफिकेशन के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको नोटिफिकेशन इसकी वीडियोज़ की मिलती रहेगी। बाकी आपको अगर चाहिए तो बोर्ड मास नाम के एक प्लेलिस्ट अलग से आपको जाके मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं सारी की सारी जो वीडियोस बोर्ड मास से रिलेटेड हमने करी है वो। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले बोर्ड मास की फुल फॉर्म देख लेते हैं। बी ब्रैकेट, अब ब्रैकेट कई तरह के होते हैं, ये बार ब्रैकेट, ये जो लाइन है, तो सबसे पहले हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, तो सॉल्विंग भी इसी तरीके से होती है। सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर हमें सॉल्व करता है, इसे कहते हैं हम राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट, और इसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसी ऑर्डर में हम इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद आता है ऑफ। कई बार एक्सप्रेशन में आपको ऑफ मिल जाएगा। ये वाली जो हमारी एक्सप्रेशन है वो बहुत ही सिंपल है, लेवल वन है, हम कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्टली नहीं चलना चाहते। अगर आपको लेवल वन नहीं आता तो आप जाहिर सी बात है कि आप लेवल 2 लेवल 3 नहीं कर पाएंगे। फिर आता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर में हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। इसको हम याद रखते हैं डी मास या बोर्ड मास पूरा होता है। आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 12 + 6/2। मैं आपको इसको 2 तरीकों से करके दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से बच्चे कई बार गलती कर देते हैं और आंसर कौन सा ठीक है, हम दोनों तरीके करेंगे। तो कई बार बच्चे यहीं से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, 12 + 6 = 18/2 और आंसर आया 9। ठीक है, अब बोर्ड मास से करते हैं। तो बोर्ड मास में यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं, ठीक है, ऑफ भी नहीं है, तो हमारा डिवीजन, तो पहले हो रहा है डिवीजन, ये 2 नंबर के बीच में डिवीजन हो रहा है, तो हम पहले 6/2 कर देंगे, 3, इन दोनों की जगह पे आ गया 3, उसके आगे लिखा हुआ है प्लस और ये आया 12, तो आंसर आया कितना, 15। अब बताओ एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर मैथमेटिक हो सकते हैं, लॉज कई बार होते हैं अगर आपके मल्टीपल आंसर्स उसके अंदर पॉसिबल हों, बट इस केस में क्या है, मल्टीपल आंसर पॉसिबल नहीं है, तो एक ही आंसर होना चाहिए। अब आप सोच के बताइए कि इन दोनों में से कौन सा आंसर ठीक होगा। तो हमारा जो आंसर जो ठीक है वो ये वाला है, तो ये वाला आंसर आपका गलत हुआ। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही हमारा स्टैंडर्ड रूल है। आप बोलेंगे आप कौन होते रूल बनाने वाले, जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने एक रूल बना रखा है कि हम इसी ऑर्डर में चलने वाले क्वेश्चन को हम ठीक बोलेंगे। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 9/3 - 1 + 8। इसके अंदर 9/3 कितना होगा, अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे 3 आ जाएगा, -1 + 8। अब इस स्टेप में कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं मैं वो आपको दिखा देता हूँ। बच्चे इस ऑर्डर में जब चलना स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं सर, कहते हैं कि सर एडिशन होगा, ओके, बच्चे कह देते हैं एडिशन होगा, तो बच्चे क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं, आंसर आता है 9, ठीक है, -1 = 3, तो आंसर बच्चे यहाँ पे -6 लिख देते हैं। अब क्या ठीक है वो देख लेते हैं। एडिशन जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है दोनों जो प्लस वाले हैं उनको ऐड करो। देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो कितना आया, 8 + 3 कितना आ गया, 11, -1 आंसर आया 10। तो ये आंसर ठीक है, ये आंसर गलत है। तो मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ बोर्ड मास का मतलब। एडिशन का जो मतलब है वो कहता है कि जो जो नंबर प्लस हो सकते हैं उन नंबर्स को प्लस करो, ठीक है, तो 3 प्लस का था,
एट प्लस का था, इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, तो इन दोनों को प्लस करा, जो माइनस है वो एंड में करेंगे हम। ये तरीका आपका सही है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप इन क्वेश्चन को कॉपी भी कर रहे हैं, साथ साथ कॉपी करते रहें। 4 × 6 / 3 + 8। आई रिक्वेस्ट कि आप इसको पॉज करें वीडियो को और खुद करके देखें। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने पॉज करके देख लिया होगा खुद करके। आइए चलते हैं, आप कहाँ से चेक करते हैं। डिवाइड, तो सबसे पहले करना है हमें डिवाइड, तो इन दोनों को डिवाइड करके करते हैं 3। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मैंने उसको लिख दिया और बाकियों को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। यह आया यहाँ से +8, इसके आगे क्या था × 4। अब डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। कितना आ गया 12 + 8 इक्वल सुधार देते रहते हैं और ये आ गया 20। तो उम्मीद करता हूँ आपका आंसर ये ठीक होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5 + 3 / 4 / 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है कि बच्चों को कई बार लगता है कि सर डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन पहले है, लेकिन वो भूल जाते हैं। इतनी आदत हो चुकी होती है डीमैथ्स रूल सॉल्व करने की कि बच्चे ब्रैकेट भूल जाते हैं। बेटा पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे डिवाइड प्लस से पहले हो। देखो बच्चे कन्फ्यूजन कहाँ होते हैं, सर यहाँ तो प्लस होना है, यहाँ डिवाइड होना है, तो मैं पहले डिवाइड कर देता हूँ, बट ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर हो रहा है प्लस, तो 5 + 3 = 8। तो कहने का मतलब ये है ब्रैकेट जितना मर्जी बड़ा हो, जैसे अगला वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको और समझ में आएगा, ब्रैकेट जितना मर्जी बड़ा हो पहले उसमें से एक नंबर निकालना होता है। 5 + 3 = 8 हो गया। अब लिख देते हैं बाकी। अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, डिवीजन पहले होगा 8 / 4 आ गया 2, ये × 2 आया और ये आंसर आया 4। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर भी सेम आया होगा। आप अपने क्वेश्चन आपके मन में जो हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4, आई डोंट नो, हमने अभी तक लेवल 4 तक ही सोचा है। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो हम लेवल 6 बनाकर डाउट सेशन ले लेंगे आपका, तो हम उसको भी देख लेंगे। आगे आने वाले लेवल्स में हम बोर्ड मार्क्स को फ्रैक्शंस, डेसिमल, उनमें भी देखेंगे। याद रखें रूल सेम है। अब आपकी अगर डिवीजन में दिक्कत है, फ्रैक्शन में दिक्कत है, तो दिक्कत आएगी। अगर आपको डेसिमल सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो दिक्कत आएगी, बट रूल तो यही रहेगा। तो अगर आप रूल समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमें पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर किसको पहले सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ब्रैकेट के अंदर प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर हम घुस चुके हैं, अब डीमास ही लगेगा। तो DMAS, तो पहले डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 + 15, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा 7 + 15। अभी हमने देखो ब्रैकेट नहीं हटाया है, पॉइंट टू बी नोटेड, ब्रैकेट नहीं हटाया, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, ब्रैकेट तब हटेगा जब वहाँ से एक नंबर निकलेगा। ओके अब हम यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको मैं देख भी नहीं रहा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 + 7 5 × 6 = 7 = 22, 3 × 2। देख रहे हैं अब मेरा ये क्वेश्चन ब्रैकेट के बगैर हो गया। अब मैं वापस डीमास लगाऊंगा, डीमास तो मल्टीप्लाई करूंगा इसको, पहले क्या कर देंगे 6 + 22, आंसर आ गया 28। चलिए आपका ये 5 क्वेश्चन का लेवल 1 तो हमने ख़त्म कर लिया है। ये नीचे वाले 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। उम्मीद करता हूँ आप इसका जो है आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे, और अगर आपने चैनल लाइक नहीं करा हो या सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ कर लें। इस तरीके की और बहुत सी वीडियोस हम डालते रहते हैं आपसे डाउट से रिलेटेड, बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।